ये दीप उत्सव की तैयारी चल रही है लाइटिंग की। ये कहाँ पे लगाना, कितनी लाइटें लगानी है? ये लाइटों की गिनती नहीं है, मगर एक नाप दिया गया 18 मीटर पर लगानी है जी। कहाँ पर लगा रहे हैं आप? ये वहाँ क्या कहते साकेत पेट्रोल पंप से लता मंगेशकर चौराहा तक। तो इसको लगने के बाद कैसे दिखेगा जब लाइट? बहुत खूबसूरत, इसमें दीपक लटकेगा, इसमें दीपक बने हुए हैं। हाँ, एक दिवाली के हिसाब से दीपक का वो दिया गया है। तैयारी सर तो यहाँ बहुत भव्य चल रही है, तैयारी जोर शोर से चल रही है और हर जगह लाइट की भी व्यवस्था चल रही है, सफाई की भी चल रही है। आने वाला समय जो दीपावली आ रहे हैं तो अभी ये लगता है कि और भव्य हमको दिखने को मिलेगा और कार्यक्रम में कमी कहीं पर नहीं है। सब अपने अपने कार्य में जुड़े हुए हैं, जो जैसा कार्य पाए हैं वो अपने काम में अडिक है, उसमें कोई वो नहीं है। और ये लगता है कि अयोध्या नगरी की 2024 में 22 जनवरी को जो स्थापना हुआ है वो उससे जैसे स्थापना न कभी हुआ न होगा। और अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, हमको तो देखने में यही मिलता है, जो कोई आता है तो वही वाह वाह ही करता है जी। सनातन धर्म के लिए मुख्यमंत्री जी आगे आ चुके हैं पूरे तौर पे? हाँ हाँ सर, पूरी तरह से आ चुके हैं और लगता है पूरा भरोसा है, आशा है, विश्वास के साथ के वो भरपूर सनातन धर्म के वो रहे। देखिए, यह रामलला के दिव्य मंदिर की स्थापना के उपरांत यह अयोध्या का प्रथम दीपोत्सव है। दीपोत्सव को लेकर चूंकि यह अयोध्या में भगवान राम के आगमन पर ही यह पर्व मनाया जाता है पूरे विश्व में, तो अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर वैसे भी उत्सुकता, वैसे भी तमाम उत्साह रहता है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव चूंकि खास है और अयोध्या में विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। अयोध्या नगर निगम स्वच्छता को लेकर, साफ और प्रकाश को लेकर, कहीं कोई किसी को असुविधा न हो, इस दृष्टिकोण से लगातार इस पे कार्य कर रहा है और एक दिव्य और भव्य दीपोत्सव अयोध्या में संपन्न होगा, जिसको सुगमता से संपन्न कराने के लिए अयोध्या नगर निगम कटिबद्ध है और वह अपनी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके अयोध्या महानगरवासियों को ही नहीं, यहां पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को और दीपोत्सव में भाग लेने वाले सभी लोगों को एक सुखद अनुभव कराने के लिए कटिबद्ध है और ऐसा करके हम लोग देंगे।